सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। नाराजगी को कुछ देर चुप रहने के बाद मिटा लिया करो, गलती पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। आज का पंचांग 29 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 2:09 तक रहेगी। इसके उपरांत नौवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र सुबह 11:38 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। सिंह राशि। आज कर्क राशि में चंद्रमा का प्रभाव इस तरह से है कि आप खुद को एक दृष्टिकोण की तरह महसूस करेंगे। आज के दिन आपको उन चीजों को आकर्षित होने की चीजों की ओर आकर्षित होने की संभावना है जो आपको व्यवहारिक बनाती है। आप इस दिन शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज आपके जीवन में किसी भी स्थितियां अनुभव को सकारात्मक बना सकता है। आप खुद में भावनाओं का बदलाव होते हुए देखेंगे जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। यह आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है जहां पर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर आज के दिन आप कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं तो शाम 6 से शाम 7 के बीच में करें, यह बहुत ही शुभ है। आज बैगनी रंग पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। आज के दिन आपके लिए शुभ परिणाम लेकर भी आएगा। आज आप अपने ऑफिस में किसी साथी के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम कर सकते हैं। नौकरी में आज आपको वेतन वृद्धि या प्रमोशन जैसी स्थिति सूचना प्राप्त हो सकती है। यदि आज के धन का निवेश है तो बहुत ही सावधानी से करें, नहीं तो आपका यह धन फंस सकता है। इस राशि वालों के लिए आज के दिन कारोबार और व्यापार के मामले में शुभ लाभदायक भी रहेगा। आर्थिक मामलों में आज के दिन आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अगर आप सोच विचार करके धन का निवेश करेंगे तो आज के दिन आपके लिए लाभप्रद होगा। सावधानियां। आज आप अनुभव करेंगे कि आप सामान्य से कुछ अधिक बोल रहे हैं। आप पिछले कुछ समय से चालाकी भरा व्यवहार कर रहे हैं लेकिन आज आप इससे खुद ही परेशानी अनुभव करेंगे। आज आप वह सच्चाई नहीं उगलना चाहते जो शायद कईयों को अच्छी नहीं लगेगी। आज के दिन किसी एकांत कार्यकलाप की योजना बनाएं क्योंकि आज आप शायद दूसरों को अच्छा लगने वाला व्यवहार ना कर पाए। बात करते हैं लव लाइफ की। आप अपनी नौकरी और करियर के लिए अधिक से अधिक समय समर्पित करने के कारण अपने प्यार और अपने साथी की अनदेखी कर सकते हैं। आपके साथी को काफी हद तक यह समझ आ चुका है लेकिन अधीरता से संकेत दे रहा है। आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी ध्यान दें अन्यथा यह काफी संकट में आ सकता है। अभी तक आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, इस ओर अपना ध्यान दें अन्यथा काफी देर हो चुकी होगी। बात करते हैं करियर की। आपकी वित्तीय स्थिति में लगातार वृद्धि दिख रही है और आगे भी इसमें सुधार की संभावना है, परंतु आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आपके नियंत्रण से परे स्थितियां काफी उत्पादकता और काम करने की क्षमता को प्रभावित कर रही है लेकिन आपका डर निराधार है। यहाँ तक कि आपके वरिष्ठ अधिकारी इस चीज को समझते हैं और आपके हालातों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं और आपके काम में समर्थन भी करेंगे, सहयोगी भी आपको सहयोग करेंगे। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य की एक छोटी सी लेकिन लगातार बनी रहने वाली समस्या से परेशान हो रहे हैं।
आज कोई आपकी इस समस्या के लिए आपको कोई प्रैक्टिकल, आज कोई आपकी इस समस्या से, आज कोई आपकी इस समस्या के लिए आपको कोई वैकल्पिक समाधान सुझाएगा और आप इसे अजमाएंगे। इस बात की काफ़ी संभावना है कि यह तरीका सफल होगा और आपकी वह समस्या दूर हो जाएगी जिसे आप वैकल्पिक चिकित्सा में अच्छा खासा विश्वास करने लगेंगी और आपके मामले में आक्रामक इलाज से कोई विशेष लाभदायक फायदा होने भी वाला नहीं है। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी के चरणों में कमल के फूल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।